हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। जितनी भी सरकारी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर वैकेंसी आती है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की, आप लोगों को चैनल के माध्यम से पता लगती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जॉब लगी है और आगे भी लगती रहेगी। तो सबसे पहले जो है, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस जरूर करें, तभी यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिल सकेगा। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी के वीडियो बनते हैं और समय पर जो है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आता है और जिस वजह से डेट निकल जाती है। बहुत अच्छी वैकेंसी आई है बिरला एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से। TGT, PGT और अदर वैकेंसी निकाली गई है, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है। सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा मेन वेबसाइट पर जाकर। वेतन के साथ में जो है काफी सुविधाएं भी आप लोगों को यहाँ पर दी जाएंगी, जो कि नोटिफिकेशन में हम लोग चेक करने वाले हैं। तो इससे पहले भी जो है बिरला एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से जो है कई बार जो है वो वैकेंसी आई हैं और बिल्कुल आप लोगों को चैनल के माध्यम से पता चलती है। कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी, ऑल स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। अंतिम तिथि रहेगी 30 दिसंबर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में सब्जेक्ट देखें, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में देखिए, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, हिंदी। हिंदी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में। आप देखें फिजिकल एजुकेशन कम योगा इंस्ट्रक्टर की है, डांस, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की वैकेंसी है और बैंड मास्टर जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट अदर्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्राइमरी टीचर्स की भी वैकेंसी है। इसके अलावा जो है इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर और यहाँ पर काउंसलर की भी वैकेंसी है जिसने साइकोलॉजी से जो है ग्रेजुएशन किया है या मास्टर डिग्री की है और साथ में बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया है। तो यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट भी है और जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जो है गेम्स की भी वैकेंसी है। हॉकी है, हॉकी कोच की वैकेंसी, स्विमिंग कोच, स्केटिंग कोच, टेबल टेनिस कोच, फुटबॉल कोच, बास्केटबॉल, ऑफिस असिस्टेंट, मैट्रोन में फीमेल की वैकेंसी है, ठीक है, और नर्स की भी वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन क्या कहा गया है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री आपकी इन सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए, ठीक है, कोई परसेंटेज का चक्कर नहीं है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ में बीएड और साथ में अगर आपने रीट क्वालिफाई किया है पेपर 2 तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो है रीट पेपर 2 एंड सीटेट पेपर 2 जिनका भी क्वालिफाई है तो वो यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अगर आपके पास बीएड भी है और आपने जो है सीटेट भी क्वालिफाई किया हुआ है, रीट भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप लोगों को अलग से जो है यहाँ पर प्रेफरेंस मिलती है। प्राइमरी टीचर्स के लिए जो है यहाँ पर डीलेड वाले, एसटीसी वाले, बीटीसी वाले और सी टेट और साथ में आर टेट पेपर 1 या फिर रीड पेपर 1 जो है आपका क्लियर होना चाहिए। फॉर टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दी है, 2 साल का अनुभव भी चाहिए। अब सैलरी इतनी अच्छी है, साथ में सुविधाएं भी जो है यहाँ पर आप लोगों को दी जा रही हैं, मेडिकल की सुविधा है, प्रोविजनल फंड की है, ग्रेजुएटी की है और साथ में जो है अगर किसी कैंडिडेट के जो है 2 बच्चे हैं तो वो भी जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सैलरी जो है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दी जा रही है, तो 70,000 के अबव जो है आपकी सैलरी रहेगी। तो अभी जो है टीचिंग पोस्ट के लिए जो भी टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 2 साल का अनुभव चाहिए ही। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट होना होगा या पोस्ट ग्रेजुएट और साथ में जो है 2 या 3 साल का अनुभव आपका मांगा गया है। जॉब लोकेशन जो है क्या रहेगी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 6 स्कूल हैं जहाँ से वैकेंसी है और इन 6 स्कूल में ही आपको जो है जॉब करनी होगी। बिरला पब्लिक स्कूल, बिरला बालिका विद्यापीठ, बिरला स्कूल पिलानी, बिरला शिशु विहार, बिरला पब्लिक स्कूल किशनगढ़, बिरला पब्लिक स्कूल श्री गंगानगर, ठीक है। तो ये 6 स्कूल हैं जहाँ पर जॉब लगेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बीच में दिखाई दे रहा है वैकेंसीज, इस पर जो है आप लोगों को क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक हेयर, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस तरीके का जो है लॉगिन, ईमेल आईडी, पासवर्ड मांग रहा है।
बट आपने अभी तक जो है अकाउंट नहीं बनाया है, तो यहाँ पर नीचे लिखा है क्रिएट एन अकाउंट। सबसे पहले जो है अकाउंट बनाना है, पासवर्ड आपका होना चाहिए, उसके बाद जो है यहाँ पर आप लॉग इन करें, ठीक है। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और समय से पहले जो है वो भेज दें। कोई भी फीस नहीं लग रही है, एग्ज़ाम भी नहीं होगा। हो सकता है जो है इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा हो, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का जो है सिलेक्शन प्रोसेस नहीं लिखा हुआ है, यानी एग्ज़ाम तो नहीं है और इंटरव्यू के बेस पर ही सिलेक्शन होगा, और क्वालिफिकेशन और साथ में अनुभव जिनके पास अधिक होगा, तो सिलेक्शन इस आधार पर हो सकता है, ठीक है। पिलानी, किशनगढ़ और श्री गंगानगर, इन तीनों जगहों पर जो है इन स्कूलों में आप लोगों को भेजा जाएगा। 4 आवासीय विद्यालय हैं और 2 डे स्कूल्स हैं। आवासीय विद्यालय यानी आवास की सुविधा भी मिल सकती है, और 2 डे स्कूल जहाँ पर आप लोगों को जाके पढ़ाना है और वापस आना है, ठीक है। तो ये राजस्थान के जो हैं 3 जगहों के स्कूल हैं जो कि बिरला एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से आए हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।